हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी यूट्यूब मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आपका भी ये यूट्यूब चैनल है, मेरी फैमिली तो मेरे आपका एक चीज़ है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो मैं वृक्षासन के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ कि जब एक स्टार्टिंग में जो बिगिनर रहता है उसे कैसे वृक्षासन करना चाहिए और क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कि वृक्षासन जो है कैसे किया जाता है। ठीक है, पीछे मैं दीवार का सहारा लेकर करके बताऊँगा वृक्षासन जो है कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं वृक्षासन के बारे में। तो शुरू करने से पहले जो मैं आया चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, इस वीडियो को फुल वॉच करने तक आपको कि वृक्षासन कैसे करना चाहिए और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरू वृक्षासन के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे वृक्षासन के बारे में शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है ऐसे एक दीवार देखते हैं और नीचे अगर हो सके तो कुशन लेना प्रेस आ जाए, या आप गिर जाते हैं तो आपको चोट न लगे। ठीक है, बी केयर करना है। ठीक है, तो सुरक्षा के साथ करना है अपने योगा को। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है एक सांस भरनी है अंदर, ठीक है, श्वास लेने के बाद आपको क्या करना है एक पाँव में ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे वैसे। ठीक है, तो आपको सांस भरी अपने हाथों को बिल्कुल लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वृक्षासन। ये देखिए मैंने दीवार का सहारा लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप वृक्षासन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में तो 10 सेकंड या 5 सेकंड या 2-2 सेकंड करने का प्रयास करें। अब आप धीरे धीरे वापस आ जाए। ठीक है, कैसे? ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ठीक है, दूसरे तरीके से आपने करते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले शीर्षासन लगा लेना। ठीक है, ये हो गया शीर्षासन। ठीक है, शीर्षासन बढ़ने के बाद आपने अपने हाथ बढ़ोगे बिल्कुल वृक्षासन में जैसे ऐसे साइड में ले जाना है। ठीक है, इस तरीके को कंफर्ट करना है। श्वास रोकना मुझे लेते हैं। ठीक है, तो फिर आप मुझे इतना बड़ा वेट जो लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ऊपर को, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, डी केयर हो गई। ये देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। एक टांग आगे को लाने में और फिर इसी तरह से वापस भी जाए आराम से। ठीक है, तो ये हो गया वृक्षासन। अब आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने करके बताया आपको वृक्षासन। ठीक है, ये मैंने आपको करके बता दिया वृक्षासन, यानी कि वृक्षासन कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे किए जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। इसका जो फर्स्ट बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि आपकी जो भुजाएं होती है, शोल्डर होते हैं, कुहनी होगी, आर्म्स होगी, रिस्ट होगी आपकी,
इनमें क्या है, बल बढ़ता है, पावर इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, शरीर पुष्ट होता है, और ये ब्रह्मचर्य के लिए लाभ करते हैं, ठीक है। और वायु के विकार से होने वाले रोग नष्ट होते हैं, जितने भी वायु के विकार रहते हैं, ठीक है, एयर डिसीजेज रहते हैं, ठीक है, वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। आरंभ में आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं, ठीक है, वृक्षासन, ठीक है, बेनिफिट्स, इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द आर्म्स, ठीक है, रिमूव्स विद ट्रबल्स, यूजफुल फॉर ब्रह्मचर्य, मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। टेक्निक, टेक अ स्पोर्ट ऑफ अ बॉल टिल यू लर्न टू बैलेंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है, ये इसके फायदे, ठीक है, तो इस तरह से आप वृक्षासन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक क्या कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है, धन्यवाद। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।